जय जवान साथियों, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को आप सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की जनता से मेरा विशेष अनुरोध है कि कल विश्व आदिवासी दिवस शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और मेरा कार्यक्रम सुबह 11 से 12 बजे बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर रहेगा। इसके बाद 2 से 3 बजे डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर रहेगा। मैं विशेषकर अपील करना चाहूंगा कि हम सबको शांतिपूर्वक तरीके से कार्यक्रम में उपस्थित होना है और हुड़दंग मचाए असामाजिक तत्व ऐसे कोई लगे जो नशे पत्ते में है, धारदार हथियार लेके पहुंचा है, तो ऐसे को अपने हमारा वॉलंटियर जो है उसको सूचना करे और साथ ही पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना करे। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे, अपना कुछ चीजें ला सकते हो, जैसे कि गोफण है, हमारा तीर धनुष है, ये अपने रीति रिवाज परंपरा में है, तो इन चीजों को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धारदार हथियारों से हमें दूर रहना है, नशे पत्ते से दूर रहना है। साथ ही पूरे देश के आदिवासी समुदाय और अन्य समुदायों से भी मेरा विशेषकर अनुरोध है कि इस दिवस को धूमधाम तरीके से मनाना है कि जब तक आदिवासी सुरक्षित रहेगा, जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगी, प्रकृति सुरक्षित रहेगी, और प्रकृति और जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगा तो आप सब हम सब सुरक्षित रहेंगे, स्वच्छ श्वास ले पाएंगे, ऑक्सीजन ले पाएंगे। तो देश लेवल के सारे आदिवासी समुदाय से मेरा, साथ ही अन्य समुदाय से मेरा विशेषकर अनुरोध है कि आदिवासी समुदाय के हक अधिकार हैं, जल जंगल की जमीन की लड़ाई है, उन सबको हमें मिलके